हेलो फ्रेंड्स, आप सब बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर में स्वागत है। चलिए आइए आज सीखते हैं क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों, ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। कंजुगेट बच्चों, इसे हिंदी में संयुग्मी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? संयुग्मी। कंजुगेट का हिंदी क्या होता है बच्चों? संयुग्मी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। मान लो बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका वैल्यू दिया गया है 3 + 4i। क्या है? जेड इक्वल टू 3 + 4i और हमें इसका कंजुगेट निकालना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, कंजुगेट निकालने के लिए ऊपर में ये बार दे देना है, ये लकीर देना है। इसका मतलब होता है कि जो साइन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में है उसको आप उल्टा कर दीजिए। यहाँ 3 + 4i लिखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 - 4i। तो बच्चों ये हो गया कंजुगेट, समझ गए? 3 + 4i क्या हो गया? 3 - 4i। मान लो बच्चों जेड इक्वल टू है 2 + 3i का होल स्क्वायर, 2 + 3i का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं बच्चों। तो a + b का होल हो जाते हैं आप a² मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस क्या बच्चों b² मतलब 3i का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × 2 × 3i। क्या किया बच्चों? 2 + 3i का होल स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर किए, प्लस 3i का स्क्वायर किए, प्लस 2ab। फॉर्मूला में तोड़ दिए बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3i का स्क्वायर यानी कि 9i² उसका बच्चों प्लस देना है आपको 2 × 4 दिया 12i। कितना हो गया बच्चों? 12i। यहां i क्या है? आयोटा है, आयोटा है ना बच्चों? i क्या है? आयोटा है, जिसका वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था √-1 होता है। तो बच्चों ये 4 लिखना है, 9 उतार देना है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या था बच्चों? -1। i का वैल्यू √-1 तो i स्क्वायर क्या हो गया? -1। ध्यान देना है, प्लस क्या हो गया? 12i। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 4 + -1 हो गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और प्लस क्या है बच्चों? 12i। 4 में चल जाएगा 9 तो हो जाएगा -5 और प्लस क्या हो गया? 12i। तो बच्चों जेड का मेरा वैल्यू फाइनल वैल्यू आ गया, फाइनल में क्या आया? -5 + 12i। तो इसका बच्चों कंजुगेट करना है, मतलब जो साइन दिया गया है रियल और इमेजिनरी के बीच में, रियल क्या है? जिसमें आई नहीं रहता है, ये रियल हो गया और आई वाला होता है इमेजिनरी। देखिए बीच में क्या प्लस है, आगे वाला साइन कुछ नहीं करना, ये प्लस को बदल दीजिए तो -5 - 12i। बच्चों -5 - 12i इज द कंजुगेट ऑफ 2 + 3i का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों और सवाल सीखते हैं, बहुत तरह का सवाल इसमें है। क्या सीख रहे हैं आप लोग? कंजुगेट निकालना। बच्चों ध्यान दीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 1/3 + 4i, 1/3 + 4i। तो सबसे पहले बच्चों जब बाय में रहे इस तरह का सवाल, तो सबसे पहले ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो बच्चों डिनोमिनेटर को सबसे पहले जो बीच में साइन दिया गया है उसके उल्टा से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए बच्चों। 3 + 4i दिया है तो इसका उल्टा क्या हो गया? 3 - 4i, 3 - 4i। अब बच्चों 3 - 4i को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 - 4i। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 3 + 4i है और 3 - 4i है, यानी कि a + b और a - b का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b² यानी कि यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 3² और -4i का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हुआ देखिए, तो ऊपर में क्या है 3 - 4i से कुछ भी नहीं करना है, 3 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका हो गया बच्चों 16 और i का स्क्वायर बताए थे फॉर्मूला क्या होता है? -1। तो क्या है बच्चों? 3 - 4i / 3 - 4i / ये माइनस प्लस हो गया तो यहाँ का 9 + 16। तो बच्चों कितना होगा 9 + 16? 3 - 4i ऊपर में लिख दीजिए, 9 + 16 आपका हो गया 25। क्या है बच्चों? 25।
अब देखिए अपना फाइनल वैल्यू जेड का आ गया, क्या है बच्चों 3 - 4i/25। तो सब कंजुगेट क्या होगा बच्चों, देखिए लिखते हैं 3 - 4i/25। तो कंजुगेट के लिए ऊपर में बार दे दीजिएगा, यहाँ क्या है माइनस है उसे प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा आपका 3 + 4i/25। दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इसे अलग करके भी लिख सकते हैं 3/25 + 4/25i, दिस विल बी द कंजुगेट ऑफ 1/3 + 4i। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा कि कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं। चलिए एक और समझाते हैं, कंसेप्ट बढ़िया रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिए गौर से सीखिए। जैसे हमारे बच्चे क्वेश्चन आपका है 4 नंबर में 7 + 2√-6, 7 + 2√-6। तो बच्चों जेड का वैल्यू दिया गया है 7 + 2, और देखिए अंडर रूट माइनस 6 है बच्चों, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 6i। माइनस हटाने के लिए बाहर में क्या कर दीजिएगा आई, कैसे किए देखिए बच्चों, माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 6 × -1, माइनस 6 क्या लिखेंगे 6 × -1, और देखिए ध्यान दीजिए बच्चों माइनस 1 का वैल्यू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर 6 का रूट निकलेगा तो रूट में रह गया आई स्क्वायर का हो जाएगा आई, है ना बच्चों। ऐसे 6 का रूट पॉइंट में निकलेगा, ऐसे नहीं कि 6 का रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में नहीं निकालना है, ठीक है। तो आपका देखिए बच्चों क्या हो गया, समझ गए, ये माइनस 6 का रूट 6 आई कैसे हुआ, यहाँ एक्सप्लेन कर दिए बच्चों, ये जेड का वैल्यू हुआ, इसलिए कंजुगेट जेड, तो 7 प्लस है बीच में तो उसको माइनस कर देना है, तो क्या हुआ अंडर रूट 2, है ना बच्चों, क्या हुआ 7 - 2√6i, दिस इज द कंजुगेट ऑफ 7 + 2√-6। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपने हाउ टू फाइंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये जान गया बच्चों। तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर को देखते रहिए, जाइए मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवर के प्लेलिस्ट में और वहाँ फाइंड कीजिए, आप लोगों को 700 से 800 वीडियो इस तरह का मिलेगा जो आपको बहुत ही फायदा पहुँचाएगा बच्चों। तो टिल देन गुड बाय, बाय बाय, लव यू।